सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमारे पास गेमिंग कम्युनिटी और ई-स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही गेमिंग कम्युनिटी और ई-स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस आज की फर्स्ट स्टोरी हमारे पास पबजी मोबाइल रीजनल क्लैश 2023 से रिलेटेड है। आप में से काफी सारे लोगों को पता ही होगा कि पिछली बार 2022 में जो रीजनल क्लैश हुआ था, जिसमें हमें सी रीजन की टीम्स और कुछ टीम चाइना से थी जो हमें इस रीजनल क्लैश में खेलती हुई दिखाई दी थी। और गाइस इस बार जो रीजनल क्लैश हो रहा है, जिससे रिलेटेड सुनने में ये भी आ रहा है कि पीएमपीएल साउथ एशिया से टॉप 8 टीम्स और बाकी जो 8 टीम्स होंगी उनसे रिलेटेड कुछ लीक्स वगैरह ऐसी भी आ रही हैं कि सी रीजन से होंगी। मगर गाइस अभी इससे रिलेटेड कोई कंफर्मेशन वगैरह नहीं आई। जैसे ही कोई कंफर्मेशन वगैरह आती है मैं आप लोगों को अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी आप लोग क्या चाहते हो कि कौन से रीजन का क्लैश होना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आज की नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास टीम IAT स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों को यह पता चल चुका होगा कि टीम IAT स्पोर्ट्स दोबारा से रीयूनाइट हो चुकी है और इसी से रिलेटेड टीम IAT स्पोर्ट्स की तरफ से अनाउंसमेंट पोस्टर शेयर कर दिया गया है। और टीम IAT स्पोर्ट्स के इस डिसीजन पर रिएक्ट करते हुए टीनवोल्फ ने कहा, गुड डिसीजन, नहीं तो PMWI और PMGC जैसी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती जबरदस्त। वो एग्री है इधर से, ये एग्री है तो अच्छी बात है भाई। एक दोबारा टीम जो इतनी अच्छी टीम है दोबारा जोड़ रही है, अच्छी बात है भाई। ये तो कोई बड़ी मसले की बात ही नहीं है भाई। यार तुम लोगों को भी ये नहीं है कि दोबारा, मैं देख रहा था एक जगह तुम लोग उन्हीं प्लेयर्स को दोबारा हेट दे रहे थे। वो भाई हेट देने क्या बात है, उन लोगों का अपना डिसीजन था, चलो गए, आप दोबारा आ गए तो अच्छी बात है भाई। पहले कहते हो रीयूनाइट हो जाओ, आपस में बात करो यार, हो जाओ, जब वो अब हो रहे हैं तो फिर भी हेट दे रहे हो भाई, अच्छी बात है ना भाई। उनके पास PMWI का चांस है, PMGC का चांस है, तो फिर वो क्यों लीव करें, एक दूसरे से अलहदा क्यों हो भाई, दोनों को मसला होगा। तो भाई अच्छी बात है, मेरे लिहाज से बहुत अच्छी बात है भाई। और गाइस टीम IAT स्पोर्ट्स के सीरी यूनाइट अनाउंसमेंट के बाद ट्रेंडा ने एक Q&A लगाया था, जिसमें एक फैन उनसे पूछता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्रेडिट किसको जाता है। तो इसी क्वेश्चन का रिप्लाई देते हुए ट्रेंडा ने कहा, खैर क्रेडिट तो सभी को जाता है, जब रीयूनियन की बात हुई तो किसी ने भी एतराज नहीं किया। बहरहाल फलक का शुरू में बहुत बड़ा हाथ था, फलक के फर्स्ट टाइम लीव करने के बाद मुझे लगा कि उसमें एटीट्यूड इश्यूज है, पर इस मसले में कई ऐसे चीजें हुई जिसको लेके मैं फलक को अप्रिशिएट करता हूँ। IQ और घोस्ट का बड़ा हाथ था, घोस्ट ने ही कॉल करके सब क्लियर किया। गाइस अगर यहाँ पे मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो टीम IAT स्पोर्ट्स के श्री यूनाइट को लेके मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। बाकी सब पर आप लोगों के क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या हालचाल लोंडो, वी आर बैक विद अनदर नाइट स्ट्रीम आफ्टर वन डे ब्रेक। और बताओ क्या चल रहा है आज? तो सब लोग फुल पावर, एकदम फेस्टिवल वाला दिन है भाई आज। मतलब सारी उम्मीद, सारी होप, सारे प्रेयर्स अब एक जगह पर आ चुके हैं एंड वी आर हियर विद अ गुड न्यूज। और बताइए, मैंने भी पहले आपको बोला था, जिस दिन मैंने आपको दिया हिंट या फिर मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आ रही जब मैंने आपको प्रोवाइड की, वो एक्चुअल में लॉजिकल रहने वाली है और फैक्ट रहने वाली है और वो होने वाला है, हवा में तीर नहीं होगा। मैंने आपको दो दिन पहले एक स्टोरी डाली थी, एक हार्ट एंड अ क्रॉस, फिंगर क्रॉस्ड, दैट वॉज ऑल अबाउट दिस। सो आई होप कि इन फ्यूचर भी आपको मैं गुमराह नहीं करूंगा। डिले होने का रीज़न है दैट दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस कि अब ऐसा कुछ भी मिस्टेक्स ना हो जिससे गवर्नमेंट ऐसा स्टेप ले और समझो वापस दिक्कत ना आए। अभी जो 2 या 3 महीने आई थिंक 3 मंथ्स ना, 3 मंथ्स का, आई एम नॉट श्योर, मैंने पढ़ा नहीं था वो आर्टिकल, कुछ 3 मंथ्स के लिए है कुछ पीरियड पे जहाँ पे गवर्नमेंट चेक करने वाली है कि कुछ दिक्कत ना हो, ये वो फलाने वाना। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमारे पास गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बस इतनी सी स्टोरीज थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।